पॉइंट ये है कि ये अब मेरी बारी है, इसके बाद जब हम गूगल में चले जाएंगे आप लोग अपने कमेंट्स करेंगे। मैं थोड़ा सा तुम्हें आज सिंपली इस पे हम बात करना चाह रहे थे। आज हमारा जो इस वक्त टॉपिक है इस क्लास का वो है क्रिटिक ऑन द कंटेम्प्रेरी होस्ट या कंटेम्प्रेरी एंकर्स या कंटेम्प्रेरी टॉक शो जो कंडक्ट करते हैं। इसकी बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल मैंने दी, आई प्लेड दी होस्ट, मैंने होस्ट बना, राणा बीच में आया, तुम लोग आए। अब तुम्हें थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहूँ कि टॉक शो को समझने के लिए उसके जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी अगर तुम्हें हायरार्की समझ आएगी, डेफिनेशन समझ आएगी, तो तुम्हारा क्रिटिसिज्म फिर हो सकेगा। जिस तरह अगर तुम्हें एक अच्छे टीचर की डेफिनेशन हो जाएगी, एक अच्छे स्टूडेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, फिर तुम डिफाइन करोगे कि दिस मैन इज अ गुड टीचर, दिस पर्सन इज अ गुड टीचर। तो हमें क्रिटिसिज्म से पहले 10-12 मिनट में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए टॉक शो। टॉक शो में जो लोग आते हैं उनकी क्या क्या पोजीशन होती है, उस पोजीशन से हम चीजों को देखते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है, ये फिर दोबारा सेन मेरे कि फादर द कैप्टन ऑफ द टॉक शो इज द प्रोड्यूसर, द मैन हु इज इमेजिनिंग, द मैन हु इज कमिंग विद द आइडिया, द मैन बिहाइंड द गन वही है। जिस तरह इस शो में छोटे से जो 10-5 मिनट की गुफ्तगू हुई है, आई प्लेड दी होस्ट, आई प्लेड दी प्रोड्यूसर, मैंने इसको फौरन प्रोड्यूस किया कि तुम्हें, और इससे एक बड़ी अच्छा मुझे एक सैंपल मिल गया कि हम ऑनलाइन भी जो हमारे फाइनल डिस्कशन होनी है टॉक शो में बड़े आराम से हो सकते हैं। अब थोड़ा सा ये बड़ा कामयाब एक्सपीरियंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी किस्म की। जिसने डिस्कशन करनी है होस्ट बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो बिफोर आई गो इनटू इट, मैं सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि टॉक शो में एक तो प्रोड्यूसर का रोल है। अब सबसे पहले होस्ट, पाकिस्तानी कल्चर में एक चीज है होस्ट, एक है एंकर, जो तुमने नाम सुना होगा। अब ये मैं जो समझ रहा हूँ ना, मैं वो बता रहा हूँ, अब आप जो तुम समझो ये तुम्हारी मर्जी है। मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें आमतौर पर टॉक शो को जो कंडक्ट करते हैं ना होस्ट होता है। होस्ट से मुराद है जिस तरह मेजबान है। अब मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं तो होस्ट नॉर्मली सॉफ्ट होता है, क्वाइट होता है, वो मेहमान को ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, मेहमान को ज्यादा बोलने का मौका देता है, मेहमान को ज्यादा उसको अच्छी कुर्सी पे बिठाता है, उससे सवाल करता है, वो जवाब लेता है। होस्ट नॉर्मली अग्रेसिव नहीं होता, मतलब बदतमीजी, जिसने तुम्हारे अपने घर में हमारे होते यार वो हमारे मेहमान थे ना, मैं उसको क्या जवाब देता यार, वो हमारे घर में गेस्ट था, मेहमान था। तो मेहमान की वैसे भी हमारे कल्चर में एक रिस्पेक्ट है, आपकी किसी से ना बात बनती हो वो आपको अच्छा ना लगे। मिसाल के तौर पे तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि यू हैव ए फ्रेंड इन यूनिवर्सिटी, तुम्हारी दोस्त है या लड़का, जो भी लड़के का दोस्त लड़का है, वो वैसे यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से पसंद नहीं करते, दे आर नॉट काइंड टू ईच अदर, दे आर नॉट नाइस टू ईच अदर। अब वो उसके घर आ गया तो वो कहता है यार बड़ी तुमने बदतमीजी की, शर्म करो, वो तो तुम्हारे घर आया था मेहमान था, तुमने चाय भी नहीं पूछी। विच मीन कि एक रोल प्रोग्राम में होस्ट का है कि वो प्रोग्राम में जो बंदा प्रोग्राम कर रहा है वो होस्ट है, उसको अपनी लिमिट्स का पता है कि मैंने बदतमीजी नहीं करनी, मैंने चढ़ाई नहीं करनी, मैंने अपना ओपिनियन नहीं देना। जिस तरह अब तुम्हारी गुफ्तगू में मैंने इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने राणा से राणा की बात की है, तुम्हें उससे डायरेक्ट कर दिया है, आई लेट यू स्पीक टू ईच अदर, मैंने टाइम को कंट्रोल किया, मैंने फौरन का 10 मिनट का टाइम खत्म कर दिया। तो ये एक छोटा सा रोल था होस्ट का। होस्ट प्रोग्राम में वो बंदा होगा, वो माइंड होगा जो डोमिनेट नहीं करेगा, जो अपना आप नहीं दिखाएगा। जिस तरह तुम्हारी अगर रिकॉर्डिंग में देखोगे ना, मेरा मुझे तुम मुझे, मैं एक छोटा सा मेरा रोल है कि मैंने कहा राणा तुम क्या समझते हो, हाँ भी तुम क्या समझती हो, तुमने उससे गुफ्तगू शुरू कर दी, मेरा बड़ा छुपा हुआ रोल है, मैंने तुम दोनों को एक्टिवेट किया और आप पीछे हो गए हो, ये है होस्ट। इसको हम होस्ट बोलते हैं जो खुद डोमिनेट नहीं करता। मेरा जो क्रिटिसिज्म है ना पाकिस्तानी टॉक शो पे, वो सबसे ज्यादा वो ये है, मतलब आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय राणा, लाइक ही इज अ यंग गाय, इसके अल्फाज बड़े नाइस थे, पोलाइट था, टोन नीचे थी, ही वॉज टॉकिंग ए जेंटलमैन, आराम से बात कर रहा था। हमारे होस्ट जो है ना वो अपने आप को अथॉरिटेटिव बना लेते हैं, मतलब जिस तरह तुम दोनों बात कर रहे थे, मैं इस प्रोग्राम में बैठा था होस्ट तो मैं राणा पे चढ़ाई कर देता, तुम लोगों पे इलामा इकबाल बन जाता। हमारा जो होस्ट है ना वो टीचर ज्यादा है, अथॉरिटेटिव ज्यादा है। जिस तरह मैंने फॉरन अथॉरिटी इस्तेमाल की, 9:40 फिनिश, डिस्कशन खत्म। ये अथॉरिटी टीचर के पास होती है क्योंकि तुम तालिब इलम हो, मैंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा हूँ, तुमसे उम्र में ज्यादा हूँ, एक्सपीरियंस में ज्यादा हूँ, और इसके बावजूद भी ये जो सिस्टम है, तुमने इस क्लास के बाद मेरी एवेल्यूएशन करनी है,
कि इज ही एंटाइटल्ड टू बी अ टीचर, कैन ही बी गिवन द अथॉरिटी टू कंट्रोल अस। मगर हमारे यहाँ जो मेरा सबसे बड़ा कमेंट है वो ये है कि हमारा जो होस्ट है ना, उसको मेरा ख्याल शायद टॉक शो की समझ ही नहीं है, और उसकी वजह हमारा कल्चर है, हमारा मिजाज है। हमारा मिजाज ही सबका ऐसे है कि हर बंदा वेख रहा है मैं किन्नू थले ला सकना। मतलब आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू, यू ऑलवेज कॉम। तुम सब की टोन बड़ी मुनासिब थी, कोई लड़ नहीं रहे थे, आवाज मुनासिब थी, हालांकि बड़ी अपोजिट बात हो रही थी। मतलब गुजरा वाला में रह के, क्योंकि अब मुझे 6 साल हो गए हैं वहां पे, रानी ने जो बात की है वो बड़ी अजीब सी बात है कि गुजरांवाला में पॉपुलर हो रहा है और इमरान को लोग पसंद करते हैं। गुजरांवाले के लोग नॉर्मली अग्रेसिव हैं, इमोशनल हैं और बड़े अटैच्ड होते हैं। बड़े शहरों के लोग बड़े फ्रेडी होते हैं, वो चीजों से अटैच होते हैं और थोड़ा डिटैच हो जाते हैं, फासला रखते हैं। छोटे शहरों में ये टेंडेंसी होती है, बरादरी को होने, बंदा को होने, मेरे अब्बे का की ख्याल है, मेरी माँ, वो इमोशनली बड़े चार्ज्ड होते हैं, इसीलिए लड़ाइयाँ भी फौरन लड़ पड़ते हैं, सुलह भी जल्दी कर लेते हैं, कत्लो गारत भी उतर आते हैं, क्योंकि माइंड सेट बड़ा एक्साइटमेंट है, इमोशंस है, रैशनैलिटी नहीं। बड़े बड़े जो सिटीज के लोग होते हैं नॉर्मली वो बड़े सेल्फिश होते हैं, अपनी काम से काम रखते हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, जेब में पैसे रखते हैं और इस बात पे खुश होते हैं मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, हम साहब अच्छा है, मानू याद करे ना, नहीं मिलता तो ना मिले, कुफी का फोन नहीं आया नहीं तो ना सी, कोई कत्लो गारत गुस्से जुस्से गैरत उठे इतनी तो किसी में सी काम होता है। ये न्यूयॉर्क भी ऐसे होगा, लंदन भी ऐसे होगा, लाहौर भी ऐसे होगा, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। तो ये जो इमोशनलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो होस्ट है जो प्रोग्राम कर रहा है, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उससे ये है, ये सारी जाती याद मेरी बात है। मसलन हसन निसार कौन होता है, माँ कहने वाला टीवी पे आ गया कि जी मैं समझता था कि इमरान ये करे, यू जस्ट ए सिंगल वोटर, तुम्हारी जरूरत क्या है इस तरह आगे तुम लेक्चर दो। मतलब मैं आई एम फेल टू कंप्रीहेंड हसन निसार की क्या औकात है कि वो इस तरह कहे जी मैं उससे ये हो गया मैं किया। भाई इफ यू आर इन पॉलिटिक्स गो टू पीटीआई, एमएनए बनो, एमपीए बनो, जाओ असेंबली में जाके कुछ करो, एयर कंडीशन में भी बैठना है ऐसे करके, अके भी रहना है, 10 लाख भी ले लेना है, तो नाल दानेश्वर ही बने ने, होस्ट भी है जी, हम बड़े दानेश्वर हैं। भाई दानेश्वर हो इतने बड़े तुम, अगर अके फके हो तो जाओ सियासत में जाओ, व्हाट यू डूइंग इन मीडिया, मीडिया में यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव एंड यू हैव टू बी न्यूट्रल। तुमने जाती याद की लड़ाई नहीं लड़नी, अगर जाती लड़ाई लड़नी है तो फिर राणा बनो, जाओ जलील हो इमरान के साथ, रात को 12 बजे 1 बजे तक होते ट्रकों के जलील होंगे ने, अब आप एयर कंडीशन में भी रहो, 10-15 लाख रुपए भी ले लो, दानेश्वर भी बन जाओ और आप पे चढ़ाई भी करो। ये पाकिस्तानी जूते पड़ेंगे, फजूल हैं हम लोग, कचरा है हम, इमरान हम कख पता नहीं है, मैं बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ मैं उसके साथ, जिस तरह मैं टोन ये उस तरह वो बात करता है। वो अपनी औकात देखो, तुम पॉलिटिशियन, तुम्हारी औकात क्या है इमरान खान, तुम मुझसे आके पूछते थे और तू मतलब व्हाट इज तू, इफ आई एम ऑन ए टीवी आई एम नॉट ताहिर मलिक, आई एम ए जर्नलिस्ट, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कॉमन मैन, आई मस्ट रिप्रेजेंट द कॉमन मैन, आई मस्ट नॉट डोमिनेट, आई मस्ट नॉट शो माई इमोशन, आई मस्ट नॉट शो माई लीडरशिप, मुझे अगर इतनी तकलीफें हैं तो आई शुड गो इनटू पॉलिटिक्स। ये मेरा सबसे बड़ा इतराज है, ये जो इमोशनलिज्म है। और दूसरी बात, जर्नलिस्ट का होस्ट का काम नहीं है कि वो अपनी पोजीशन ले, अगर वो होस्ट है, अब मेरा काम नहीं था कि मैं इमरान की साइड लूं या मुहालफत करूं, मेरा काम ये था कि मैं एज ए होस्ट राणा को भी उसका मौका दूं और तुमको भी मौका दूं और तुम्हारी डिसेंसी रखूं। अगर राणा डोमिनेट कर रहा है तो थोड़ी सी स्पेस उससे छीन लूं, ये है होस्टिंग।